नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अपमानजनक नामों से बुलाने पर रोक, शिक्षकों की कमियां उजागर करेंगे छात्र। मॉनिटर का चयन रोटेशन पद्धति से होगा लागू। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला, बी कार्तिकेय धनजी पथ निर्माण सचिव बने। नीतीश कैबिनेट के दो मंत्रियों के पीएस की प्रोन्नति। बिहार में पैक्स चुनाव 26 नवंबर से 6422 पैक्सों के लिए चुनाव प्रक्रिया, 162 पैक्सों का चुनाव टला। के पाठक का बेतिया राज भूमि प्रबंधन, बेतिया राज में अतिक्रमण हटाने का अभियान, पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लेने का निर्णय। न्यूजीलैंड ने जीता विमेन्स T20 वर्ल्ड कप, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों पुरस्कार के नाम। साउथ अफ्रीका को मिली करारी शिकस्त। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रबंधन व्यवस्था सुधारने के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। अब अभिभावक शिक्षक संगोष्ठियों में छात्र भी अपने शिक्षकों की खूबियों और कमियों को उजागर करेंगे, जिससे शैक्षणिक स्तर का आकलन होगा। शिक्षा विभाग ने छात्रों को अपमानित करने वाले नाम जैसे गधा, बैल या मंदबुद्धि आदि रखने पर रोक लगाई है, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। इसके अलावा स्कूलों में मॉनिटर की नियुक्ति रोटेशन पद्धति से होगी, जिससे हर कमजोर या जो छात्र को मौका मिलेगा, मॉनिटर स्कूल नहीं आने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करेगा ताकि वो स्कूल आएं। इसके साथ ही बच्चों के फीडबैक के आधार पर प्रधानाध्यापक स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें कई विभागों के सचिवों को बदला गया है। 2008 बैच के आईएएस बी कार्तिकेय धनजी को पथ निर्माण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि 2006 बैच के आईएएस संदीप कुमार आर पुटकलकट्टी भी इसी विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत रहेंगे। 2010 बैच की आईएएस रचना पाटिल को निदेशक संग्रहालय कला संस्कृति एवं युवा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मिनेन्द्र कुमार को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया, जबकि राहुल कुमार को वित्त विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में मंत्री संतोष सुमन के आप्त सचिव नंदलाल आर्य, जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है, इन्हें नालंदा का बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरे मंत्री कृष्ण नंदन पासवान के सरकारी आप्त सचिव राजेश कुमार को पूर्णिया जिले का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा या BSSTET में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। बिहार में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और पदों का रोस्टर जिलों से प्राप्त हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से यह बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को भेजा जाएगा, जो विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगेगा। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में 5534 और मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में 1745 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आप BPSC द्वारा जारी किए जाने वाले आगामी नोटिफिकेशन पर जरूर ध्यान दें। बिहार में 6422 प्राथमिक कृषि शाखा समितियों यानी पैक्स के चुनाव 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक 5 चरणों में होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से 4:30 बजे तक होगा, जबकि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह समय 3 बजे तक सीमित रहेगा। प्रत्येक चरण में विभिन्न जिलों में मतदान होगा। पहले चरण में 1608, दूसरे चरण में 740, तीसरे में 1659, चौथे में 1137 और पांचवें चरण में 1778 पैक्सों में चुनाव होंगे। 162 पैक्सों का चुनाव टाल दिया गया है, क्योंकि वे नगर निकाय में शामिल हो गए हैं। कुल 12 पदों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें अध्यक्ष और सचिव का पद अनारक्षित रहेगा, जबकि अन्य 10 में से 6 पद आरक्षित हैं। मतदाता सूची 25 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।
बिहार में 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये सभी सड़कें स्टेट हाईवे के अंतर्गत आएंगी और इनका निर्माण एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रमुख परियोजनाओं में छपरा मांझी दरौली गुठनी 72.18 किलोमीटर, आरा एकौना खैरा सहार 32.26 किलोमीटर, बनगंगा जेठियन गहलौर भिंडस 41.25 किलोमीटर और धौरैया इंग्लिश मोड़ असरगंज 58.47 किलोमीटर शामिल हैं। जल संसाधन विभाग से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इन सड़कों के बन जाने से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन सरल और तेज हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 27 अक्टूबर को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए तीसरी मेधा चयन सूची जारी करेगी, जबकि आवंटन सूची 28 अक्टूबर को आएगी। चयनित विद्यार्थी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नामांकन करा सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान पोर्टल पर अंतिम रूप से सीटों को 2 नवंबर तक अपडेट करेंगे। बोर्ड ने कहा है कि गैर सरकारी संस्थानों की प्रथम चयन सूची में से नामांकित वैसे आवेदक जिन्होंने स्लाइड अप विकल्प का उपयोग किया था, लेकिन दूसरे चरण में उन्हें उनके उच्चतर विकल्प का संस्थान आवंटित नहीं हो पाया था और आवेदक ने तीसरे चरण में उच्चतर विकल्प के संस्थान में नामांकन के लिए पुनः स्लाइड अप विकल्प का उपयोग किया था, वैसे अभ्यर्थी तीसरे चरण में शामिल हो सकते हैं। वहीं नामांकित विद्यार्थियों को 23 अक्टूबर तक प्रथम वर्ष के शुल्क की शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक ने राजस्व परिषद में भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बेतिया राज की करीब 14,000 एकड़ भूमि के अतिक्रमण को हटाने और प्रबंधन के लिए पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत निविदा जारी कर एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। के पाठक ने सरकार को पत्र लिखकर 5 राजस्व अधिकारियों की तैनाती की मांग की, जिसे स्वीकृति मिली है। बेतिया राज की भूमि पर अतिक्रमण से निपटने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में एक साथ चलेगा, जिससे भूमि का सर्वेक्षण और अतिक्रमण मुक्ति तेजी से संभव हो सके। बिहार में नए साल में 38 जिलों में 8,000 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, विशेषकर उन प्रखंडों में जहां केंद्र नहीं है। श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा। केंद्र में युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा और इंटर्नशिप का भी अवसर मिलेगा। हाल ही में बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच एक अनुबंध हुआ है, जिससे 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन भी होगा। इसमें राज्य के 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार वित्तीय मदद प्रदान करेगी। योजना में महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी को भी महत्व दिया गया है। बिहार में उल्लुओं की तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है, खासकर दिवाली के दौरान जब इसकी बलि देने की कुप्रथा बढ़ जाती है। बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी DVFO को उल्लू की तस्करी रोकने के लिए निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि उल्लू भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित जीव है और यह विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। बता दें कि दिवाली पर उल्लू के अंगों का तंत्र विद्या में उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी कीमत 1,000 रुपए तक पहुंच जाती है, जिससे तस्करी की संभावना भी बढ़ जाती है। उल्लू की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। बिहार में उल्लुओं की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया है, जिसमें 3 बिहार निवासी फहीमन नसीन, मोहम्मद हनीफ और कलीम की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दिन गांदरबल में निर्माणाधीन टनल के पास हुए हमले में कुल 7 मजदूरों की जान चली गई, जबकि घायल इंदर यादव और मोहन लाल यादव का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख व्यक्त किया और इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा की। बिहार के कटिहार के बारसोई में महिला पर्यवेक्षिका किरण कुमारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह आंगनबाड़ी सेविका से वाउचर पास करने के नाम पर रिश्वत लेते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह सेविकाओं से 2,500 रुपये की मांग कर रही हैं। इस मामले के सामने आने पर जिला अधिकारी ने जाँच के आदेश दिए हैं। जदयू नेता रोशन अग्रवाल ने उचित कार्रवाई की मांग की है, जबकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है।
अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने आज सुबह सीएम आवास में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनसे जीत का आशीर्वाद लिया। बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए में बीजेपी 2 सीटों पर, जदयू 1 पर और हम पार्टी 1 सीट पर उम्मीदवार उतार रही है। हम पार्टी ने इमामगंज सीट से दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। 13 नवम्बर को उपचुनाव होंगे जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जन स्वराज ने तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए एसके सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि एसके सिंह का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं है जिससे उनका नामांकन मुश्किल में पड़ सकता है। वे भोजपुर के करत गांव के निवासी हैं लेकिन कई सालों से दिल्ली में रहते हैं और वहीं के वोटर हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस राज्य से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ के वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वे आवेदन करके इसे जुड़वा सकते हैं, लेकिन यदि आवेदन अस्वीकृत होता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में 22 अक्टूबर को पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह बैठक झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां लोजपा रामविलास पासवान केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बैठक में चिराग पासवान रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, खासकर चतरा विधानसभा सीट पर जहां उन्होंने जनार्दन पासवान को उम्मीदवार घोषित किया है। चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन की जीत का दावा भी किया है। झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि अन्य सहयोगियों को भी सीमित सीटें दी गई हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में बीते दिन न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहली बार खिताब जीता। अमेलिया केर ने 38 गेंदों पर 43 रन बनाते हुए और गेंदबाजी में 24 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी पुरस्कार मिला। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 158 रन बनाए जबकि साउथ अफ्रीका 126 रन ही बना सकी। यह वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों पुरस्कार जीते। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, मुन्ना प्रसाद, उमाशंकर ठाकुर, कुश कुमार यादव, राम बाबू दास, संजीव कुमार, रवि कुमार राम, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रंजित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, सुकांत ठाकुर, कामेश्वर सिंह और रूपा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आतंकियों से निपटने के लिए सरकार को और कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।